हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जॉनी खान और आज मैं बैठा हूं एशिया के पहले नंबर पे यानी के भीड़बिली की घाटी पे। और यहां पे कौन बैठा है? यहां पे बैठे हैं पत्रकार बंधु। और पत्रकार बंधुओं में नाम लूं तो यहां पे कविता मन्हास जी का नाम आता है, शुभम सूद का नाम आता है, अशोक का नाम आता है, तुषार का नाम आता है, मेरा नाम आता है और चाचा जी का नाम आता है, और सबसे बाद में नाम आता है हिमाचली गपशप का। यार हिमाचली गपशप तो आप देखते होंगे ना, तो ये तो बढ़िया वाला जो सिलसिला है। हम एक्चुअली में शूट करने आए थे भीड़ भीड़ी घाटी में, यहाँ का प्रोग्राम यानी कि इवेंट जो चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आर एस बल्ली जी आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ पे नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ के जो CPS है माननीय श्री किशोरी लाल जी, बीच में उंगली नहीं करने का, ये पत्रकार है ना, जरूर कहा आप बोल ले, तू बोल ले भाई, आज शुरू हो गया हिमाचली गपशप ना, ये जरूर बीच में ओंदी क्या नहीं ओंदी, अब पहाड़ी में बात करेंगे। अब सर जी ये देखो ना, मैंने तारीफ कर दी कि हिमाचली गपशप, अब ये हिमाचली गपशप, अब मैं फिर हिंदी में आ गया, हूं मैं पहाड़ी जी हो जाता। हम आ सारे पत्रकार बंधु फिर पहाड़ी आई पहाड़ी उन्होंने हूं ओले ओले भाई आदत नहीं है ना आप तो था यार ये भगवान। जॉनी खान जी, जी मेरा ब्लॉग भी पहाड़िए से था, पहाड़िए से या तो ज्यादा मैं पहाड़ी बोलना तो चाह करता करने, मैं पहाड़ी निकला नहीं करती, पहाड़ी बोलना तो चाह ले कर पहाड़ी फंसी है कि यो मैं पहाड़ी ही है सब पता कि ये गए कने मोटी गल ये है कि हां बिलिंग चाहे हो तू तू शूट करना अपना प्री पैराग्लाइडिंग दा कने इथू जेड़ा है सारे पत्रकार जेड़े सही हिमाचली हैं कने मिंजू ते भी पहाड़ी गलाने गला दे कने मैं पूरी ट्राई करनी है कि मैं पहाड़ी गला कने ए गप शप मिली है मिंजू एक गप मैं तो दसी दे सारे चला बैठे हो आ भी सट्टी लंदे एक जटराला बड़का मारा कोई मुसलमान नहीं है कोई खान नहीं है रख दियो कुड़ गलाना पर बैल भूपिंदर बैल भूपिंदर बैल कने सारे एक दिन के होए बोले रिश्ता लाना बोले जागते दा कुड़ी लगी बोलना बोले ला बोले मुसलमान ने कराना मारा फिर ये प्रचार बड़ा जरूरी है चाचा नहीं तो ये भी पॉइंट है तो मतलब ही ना खान का ये लगाया भाई वो सब बड़ी लंबी कहानी है बड़ी लंबी कहानी है तो हम इंटरव्यू लेना आ सकते जी ये आया था कोई ऐसी कंपनी है कहने मेन मुद्दा ये था गलाने ना मतलब है पहाड़ी जी में भी आ जांदा पूरी ट्राई मारदा कि आहा बिल्ली बिल्ली घाटी जी बैठे हो कहने पत्रकार सारे कुठ हो कहने एक चाचू दुकान है जी तू आ बैठे हो कहने ए इथू आमलेट बड़ा प्यारा बनांदे फ्रेंच टोस्ट क्या नाम है कहने चा हैं फ्रेंच टोस्ट सह बनांदे कहने और भी बड़ा कुछ बनांदे कहने बड़ी प्यारी प्यारी है तू डिश ना पहाड़ी खाने मिलदी है पत्रकार बंधु कठरोइया होते तू चाह पीना बैठे होते सेब खाना बैठे होते जेड़े जे बीपी वाले जे मुफ्त दे सह है सह है लगे हां खाना है जूस पीना बैठे होते ब्लॉग बनाए लेंदे कविता मन्हास जी आई हो नहीं करदे जो मार भी पै सकदे ब्लॉग बनाना आई हो कने कलो आहा ब्लॉग भी खोल आए थे कने आहा एंजॉय कर दे जरूरी नहीं है कि हर राजनीति की खबर करनी होती है या हाँ CPS की खबर करनी है कुछ भी आहा अपनी भी नहीं खबर करी सकते आ तुपर हुई है जी अगर बीड़ी सुझी होगी तो माफ करने हो अपने खास कने बीड़ी पींदे ने दास दास रहंदे उदास कदी नहीं रहंदे उदास हमेशा रहंदे खुश खुश रहंदे और मैं तेरे दर्शन दिखा दे मैं क्या बोल दे ये बोल दे लहंगे दिखी नहीं लहंगे तो कोई लहंगे नहीं मेरा बच्चे बराबर जी कविता बैठी है थू रही बड़ी बड़ी ब्लॉक बना दी कने हर जगह पुजी होंगी कने अचार बड़ा बढ़ दी पर मेरे घर अज तक इदा अचार नहीं आया अचार नहीं अज तक लोगों का अचार पुजी ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਰ ਪੁੱਜੀ ਵੀ ਜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲੁਕਾਈ ਕੇ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤਸੇ ਅਸ਼ੂ ਆਈ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਆਹ ਬੇਲੀ ਬਿਲੀ ਘਾਟੀ ਜੇ ਬੈਠੋ ਚਾਚੂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਦੂ ਬੈਠੋ ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਕ 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 ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਹਨ
अच्छी पत्रकारिता दा जिहड़ा भी ज्ञान है ते आहां जो तुहाडे आशीर्वाद करने मिले उन सट्टा ना पाड़ी सी कि मैं गड़गड़ी मैं गलांदा रहा पत्रकार ने 500 रुपए डब्बे रखी हो भाई 10 रुपए बीड़िया बंडल रखे पत्रकार ने बहू ए भी तो मैसेज आना चाहिए ना ईमानदार है ना ईमानदार ने कहा भी लगा एक पंडित जी हिमाचल गपशप ईमानदार दे करने इन पत्रकार करने जानदार भी लगाना चाहिए जानदार भी है महंगे दिखे महंगे कविता जी आप भी तो बोलो ना कुछ बड़ा बढ़िया लगे आज यहाँ करने सारे पत्रकार जेड़ा से बैठे हो आज भीड़ भी लिंग घाटी खास कर यहाँ करने जोनी खान जी बुजुर्ग बुजुर्ग जोनी खान जी हमेशा ने कंप्लेंट कर देने की कमेंट भी कर देने की कदी आहे भी चैलेंज लिया फूड चैलेंज लिया या भी अचार दिया है ना हमेशा कमेंट थ्रू मिंजो होता है कि मिंजो का दाड़ी लाना चैलेंज था बड़ी जल्दी थोड़ा करना एक चैलेंज कर रहा है फूड चैलेंज फूड चैलेंज तो ठीक है ना पर इन्होंने कुछ बनाने का मत दस दे क्योंकि इन्हों बनाना कुछ नहीं होता कमाना होता है क्योंकि बनाते कुछ नहीं है घर बाबी बनाती सारी मारी मेरा बेटा मेरे साथ बैठा पूछ लो मैंने नहीं माजता पूछता हूँ वो बेबी माजती है वांडे बुंडे हाँ स्वादिष्ट खाना बनता है बढ़िया वाला और कविता ने जैसे बोला जैसे ब्लॉग बनाती रहती है और बोला कि यार मेरा भी ये किसी टाइम इंटरव्यू करने वाले भाई कब करने वाले हो जब आप बोलो आप आलूम पर आना पड़ेगा आपको या मैं आऊं नहीं आपको आना पड़ेगा पता है मैं थोड़ा महंगा पत्रकार है पत्रकार बैठे ना जब हमें ये एलिगेशन लगता है कि यार आप बिकाऊ हो आप बिक गए आपको कैसा लगता है यार अच्छा लगता है बोलता है भगवान दे ना जो बड़ी लंबी उम्र का है चोर गलांदे डकैत गलांदे या भ्रष्टाचारी गलांदे या मां बैठ करते मारी में बोलता देखो बड़ी उम्र का है क्योंकि देखा ऐसा है अगर तुम्हारी आलोचना नहीं होगी ना जीरो आलोचना नहीं होगी जीरो अगर तुम्हारी आलोचना होगा तो तुम्हारा बदी सकते अगर तुम्हारी